आज हम बात करेंगे आपसे बैंगन की खेती कैसे करें ऑर्गेनिक। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ये गोल बैंगन लगाया हुआ है यहाँ पे, और बरसात के मौसम में बैंगन में बहुत ही ज़्यादा कीड़ा आता है, बहुत तरह तरह के रोग हैं बैंगन में। लेकिन किसी भी हाल में हमें करना है ऑर्गेनिक खेती, तो उसके तौर तरीके हम बताएँगे आपको ऑर्गेनिक तौर तरीके से कैसे करें बैंगन की खेती। तो दोस्तों देख सकते हैं बरसात का टाइम है और तो बारिश ज़्यादा हो रहा है, पानी जो है इसका प्रॉपर जो नमी जल्दी निकल नहीं रहा है, इसके वजह से रोग ज़्यादा आता है। तो दोस्तों हमने इसकी निलाई करवा दिया है, घास सारे निकलवा दिए हैं, और बैंगन जब लगा रहे हैं तो बैंगन का डिस्टेंस रखना पड़ेगा आपको। बैंगन में जितना अच्छा हवा आए लगेगा, इसमें धूप अच्छा प्रॉपर जाएगा तो इसमें रोग कम आएगा। तो डिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं, कम से कम हमने 2.5-3 फीट का रखा हुआ डिस्टेंस एक एक लाइनों में, और लाइन से हमने लगाए हैं इसको। और जो इसमें रोग होता है हम आपको बताते हैं, इसमें जो रोग आता है किस तरह का रोग लगता है इसमें बैंगन में, और उसका रोकथाम क्या करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ये रोग है, ऐसे ये जो है फूल जहाँ से आएगा वहीं से ये सूख गया। इसका मतलब इसका जो कीड़ा है, इसका कीड़ा यहाँ पे है। कीड़ा कहाँ से गया है ये तो कहीं देखिए छेद भी नहीं है, पर ये कीड़ा यहाँ है। तो इसको जो है तोड़ना नहीं है, ना तोड़ना है ना इसमें पेस्टिसाइड यूज करना है। तो करना क्या है दोस्तों, इसमें निलाई करवा दिए हैं, घास निकलवा दिए हैं, इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे अभी। और पेस्टिसाइड अगर आप यूज करते हैं तो होता क्या है कि जो अब तो सारा हमारा जो तना है देख सकते हैं ये सब अच्छे हैं, बस रोग लगा है एक में। लेकिन हम पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो सारे प्लांटों में यूज होगा, ठीक। रोग तो लगा है एक तने में, ठीक। एक तने को एस्टिस छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, ये सड़ के ये यहाँ से खुद निकलेगा, ठीक है। कीड़े भी बाहर उसके अंदर जहाँ पे हैं वहीं रह जाएंगे। अगर पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो क्या है कि जो पौधा जो तना हमारा अच्छा है इसकी प्रतिरोधक क्षमता वो दवाइयाँ कम कर देती है, ठीक। तो रोग एक में लगा है तो एक को छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। और सुबह के टाइम, सुबह जब ओस होता है उसी समय हमें प्रयोग में लाना है केवल ये राख। ये राख हमारे गौशाले में ये धुआं करते हैं, अभी मक्खी बरसात का टाइम है, मक्खी मच्छर बहुत हो रहा है तो थोड़ा वहाँ धुआं कर देते हैं तो गायों को अच्छा हो जाता है। वही राख है, ये उपले का राख है, गायों को बना हुआ जो उपला होता है, जो कहीं कंडे भी बोलते हैं वो है ये। और इसको सुबह सुबह जो है आप इस तरह से केवल छिड़क दीजिए इसके ऊपर। ये राख जो है क्या करेगा, इसको आगे नहीं जाने देगा, और ये जो जब बारिश होगी तो ये पूरा धुल के ये जाएगा नीचे जमीन में, तो जो जमीन का कीड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा। और इस तरह से सुबह सुबह 6-7 बजे तक आप इसको अगर छिड़क देते हैं इस तरह से पूरे, तो रोग नहीं आएगा। और एक बार जब आप लगा जैसे ही लगाते हैं और जैसे ही बैंगन फूल पे आएगा तो एक बार ये सारे खेतों में हो जाता है, ठीक। ये रोग इसको यहाँ से तना जो है सड़ के निकलेगा। तो फिर भी हमें पेस्टिसाइड यूज नहीं करना है, केवल राख का यूज कीजिए। एक बार जो है सारे प्लांटों का खुद अपना आप अपने ये स्ट्रेंथ बनाएगा और अपनी प्रतिरोधक क्षमता खुद तैयार करेगा। एक बार तो आपका मतलब बैंगन एक बार केवल ख़राब होगा, पौधा मत निकालिए, पौधा छोड़ दीजिए एस्टिस, वो फिर बाद में अपना अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो है आपका फसल जो है एक बार लगेगा, लेकिन आप अगर एक बार पेस्टिसाइड यूज कर दिए हैं तो आपको हर 15-20 दिन में करना ही पड़ेगा, फिर वो जहर है, वो ऑर्गेनिक सब्जियों की गिनती में वो नहीं आएगा। बस इस तरह से आप छिड़क दीजिए दोस्तों। ये तो है गोल बैंगन, और आइए हमने दूसरे क्या खेतों में लगाया हुआ है लंबा वाला बैंगन, लाल वाला, तो आइए देखते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं आपको। इधर हमने मिर्च लगाया हुआ है, मिर्च के लिए बात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लंबा वाला बैंगन है, बरसात के ज़्यादा होने की वजह से इसके पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं, तो उसका भी बताएंगे क्या करना है। देखिए दोस्तों ये है हमारा लाल बैंगन, इसमें फूल आ रहा है अभी, और इसमें एक रोग आया हुआ है, ये इसको बोलते हैं सुकड़ा रोग। ये देखिए ये क्या है, ये यहाँ से सुकड़ गया है। तो ये पौधा ख़राब नहीं हुआ है, जो फूल है फूल वाला छोड़ देंगे हम, और जिसमें फूल नहीं है उसकी जो है हम कर देंगे इसकी पुरेंगिंग,
इसको इस तरह से हटा देंगे इसको, ठीक। ये यहाँ से लेगा नया फुटाव, और जिसमें अच्छा है, जो पत्ता साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एस्टिस छोड़ेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, केवल हम इसको केवल निकाल देंगे। ये यहाँ से नया फुटाव लेगा दोस्तों, और इसका पूरा जब निकाल लेंगे, पूरे खेत में हम चेक करेंगे कि किस में ये सुकड़ा रोग हुआ है, तो इसको निकालेंगे, और इसको जो पीला पड़ गया है उसको खाद के रूप में जो देंगे हम इसमें देंगे दोस्तों। देखिए गोबर का खाद है ये पूरा एक साल का सड़ा हुआ खाद है, ये ऑर्गेनिक खाद बोलिए इसको, ये इसको किसी भी तरह से इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ये साल भर में ये खुद ही सड़ा हुआ है, गोबर का खाद है। और इसको इस तरह से इसमें निकलवाएंगे, नीलाई देख सकते हैं, घास निकलवाए हुए हमने इसके, और इस तरह से इसमें सब में डाल के पहले इसमें कटिंग कर देंगे, जो पूरेगी करने के बाद इसको खाद को डालना है, खाद को डाल के फिर हम इसमें गुड़ाई करवा देंगे और मिलवा देंगे इसको, खाद को मिट्टी को आपस में इसको मिलवाएंगे। और बरसात का मौसम है, बारिश दो चार दिन में अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तब हम पानी लगाएंगे, इसकी नमी हो जब तक है तब तक पानी नहीं लगाना, प्रॉपर ही सूखेगा गोबर का खाद और मिट्टी सूख जाएगा तो फिर हम इसमें पानी लगाएंगे, फिर इसको देखते हैं इसका फिर कितना फूल आता है, कितना इसका फल आ रहा है। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।